पीपल एंड फोर्सली आई एडवाइज कि स्पेशली फॉर गर्ल्स वेरी इजी टू गो इन मेडिटेशन इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल्सो सेड. If you understand, then this is one of the best technique and easy technique, and you will be completely free with this your garbage, like a mind, and you will have a heart and nice space. So you can see this technique. I think experiment. You do experiment. People have need to experiment. This is one of the best for women. So what do you want to ask about that? That's all, Baba. Just enjoy. Yes. This is the best technique. And mostly I discuss with girls with this technique. Why you are unnecessary thinking third eye or fourth eye or fifth eye? No need. Because you have no third eye. Unnecessary imagination you are creating. Third eye is not a part of woman. गुप्ता जी सब ठीक चल रहा है जी? सुख में जिंदगी स्वांता सुखाय दास तुलसी रघुनाथ गाथा. वेरी गुड. बाबा अभी आप बोलने के लिए फरमा रहे थे ना, काय बोलने के लिए बात हो रही थी. हाँ. अब वो जो सुनते हैं, जो देखते हैं और जो सोचते हैं, उससे भी तो बोलना होता है. ये उसका प्रतिफलन रिएक्शन है. प्रतिफलन है उसका. ये उसका रिएक्शन है. जी जी. देखो मैंने क्या कहा कि जो बोलते हो वो 10 तरह से लौटता है. फिर देखने से लौटेगा, सुनने से लौटेगा, छूने से लौटेगा, सोचने से लौटेगा, इम्प्रेशन से लौटेगा, किसी की मौजूदगी से लौटेगा. मौजूदगी से भी लौटेगा. क्योंकि इस जगत का एक नियम है, बड़ा गहरा नियम है जो हम समझ नहीं पा रहे. इस जगत में आप जो भी डालोगे वो अनंत गुना होकर लौटता है. अब आप क्या डाल रहे हैं ये आपको समझना. आपकी हर एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, वो 10 गुनी होकर लौटती है. भले वो भाव भर रहे हैं या कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी भाव में है तो 10 गुनी होकर लौटेगी. क्योंकि प्रकृति हर चीज को कम से कम 10 गुनी करके तुम्हें देता है. फिर भक्ति तुम्हारे भीतर घट रही है जी, वो भी 10 गुनी होकर लौट रही है. फिर ध्यान तुम कर रहे हो वो भी प्रकृति 10 गुना होकर लौटाती है. तुम गालियां दे रहे हो वो भी 10 गुनी होकर लौटेंगे. तुम किसी के प्रति गलत सोच रहे हो तो वो 10 गुना होकर तुम्हें गलत सिद्ध करेगा. तुम एक आदमी को सिद्ध करने की कोशिश करोगे कि गलत है, प्रकृति तुम्हें 10 बार सिद्ध करेगी कि तुम गलत हो. ये जगत का नियम. इसलिए व्यक्ति को इस जीवन में बहुत जाग के और समझ के जीना चाहिए. क्योंकि तुम एक कल्प वृक्ष हो, तुम्हें परमात्मा ने कल्प वृक्ष की तरह बनाया है, और कल्प वृक्ष में जो भी भाव तुम डालोगे वे 10 गुने होंगे. ऐसे मानिए आप. तो उस हिसाब से आपका सोचना, चलना, आचार व्यवहार की जो बातचीत है ना, वो इसलिए कही जाती है कि आप उसमें आपका नुकसान करते हो, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हो. और जब एक उम्र हो जाती है और वो इतना ज़्यादा नुकसान में, जैसे आदमी दिवाली ही हो जाता है, ऐसे हो जाते फिर हम, तो फिर वो बिल्कुल गैप नहीं रहता वो चीज़ें. उसका हिसाब तो हमें चुकाना ही पड़ेगा बिल्कुल. और फिर हम दोष दूसरों को दें, चीखें चिल्लाएं, तो कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं, कुछ नहीं. वो किसी के चिल्लाने से और चीखने से कुछ नहीं. वो जो चिल्लाओगे चीखोगे वो 10 गुना होकर आएगा. यहाँ तो हर चीज़ बढ़ रही है. जैसे आप दुखी हैं तो भूल के भी आपके दुख को किसी से मत कहना. जो कि हम बड़े अच्छे तरीके से हमारे दुख को किसी को एक्सप्रेस करते हैं कि हमारी ये समस्या, हमारा ये दुख,
आपने जैसे ही कहा वो 10 गुना होगा लौटा आप। नहीं बाबा, इसमें तो कई बार रेचन भी हो जाता। नहीं रेचन फेचन ही, मानो आपसे कुछ कहा। हाँ वो रेचन नहीं है, वो टाइम बीइंग की तुम्हारी वो हो गई रिलीफ। अच्छा। लेकिन वो बीज बोया आपने। अच्छा। और वो 10 गुना होकर लौटा। यहाँ रेचन हर चीज का कहाँ होगा? तुम्हारी चीज तुम पे आकर ले होगी जब रेचन होगा। कोई भी चीज प्रतिक्रमण जिसे कहते हैं, वो प्रत्याहार जिसे कहते हैं। प्रत्याहार का मतलब ये है कि जो भी हमने डाला है अब वही लौटेगा हम पे। तो जब वो लौटे तो उसे अच्छे से पचाओ, उसका रिएक्शन मत करो। तो अभी आपने जो जो डाला है वही लौट रहा है आप पे, तो उसमें से एक चीज के प्रति भी रिएक्शन नहीं होना, उसको पचाने का नाम प्रत्याहार है। और जितना प्रत्याहार में व्यक्ति जिएगा उतना रिच होगा, क्योंकि कहीं गहरे में जो बुरा नहीं था बाहर चले गए, लेकिन बाहर ही चले जा रहे हैं वो गलत। और बाहर से जब तुम लौटो तो तुम ईंधन की तरह, बिल्कुल तुम हवन कुंड की तरह हो जाओ और सब चीज़ें ईंधन की तरह तुम्हें काम में आए। चाहे फिर कोई गाली दे रहा, अगर कोई गाली दे रहा है तो वो तुम्हारा ईंधन होना चाहिए। यानी अवेयरनेस में आपका बहुत मतलब पचाने का मतलब, हवन कुंड का मतलब है आप पूरे के पूरे जागे हुए हैं और स्पेस है आपके पास चीज़ों को झेलने का। ये बड़ी, इसलिए तो जीवन एक तपस्या है। जीवन में कहीं किसी जगह तपस्या करने की जरूरत नहीं है, जहाँ खड़े हो वहाँ तपस्या है। लेकिन जो आ रहा है उसे पचाने की ताकत आना चाहिए। तो प्रत्याहार हुआ, और बिना प्रत्याहार के कोई भी व्यक्ति की मुक्ति नहीं है। फिर प्रत्याहार करने के लिए जन्म लोगे, फिर प्रत्याहार करोगे, क्योंकि ये संस्कार जाते हैं। ये कारण शरीर में, जिस तरह से ये इमली का पेड़ है, ये इमली का पेड़ पूरा का पूरा समा जाता है एक बीज में, और फिर इसने जो धक्के खाए हैं, जो जीवन जिया है, जो घटनाएं इसके ऊपर घटी, जो सर्दी गर्मी इसने झेली है, उन सब का निचोड़ वो बीज में घुस जाता है। और ठीक वो बीज उस पात्रता का होता है कि अगला पेड़, अगला जब लगेगा वो, तो फिर वे सारे नियम काम करेंगे उसको फिर प्रकट होने में। और वो प्रकट होगा तो प्रकृति उसे उसी ढंग से फिर उठाएगी, उसी ढंग से सहयोग करेगी और खड़ा कर देगी। तो ये आदमी भी जो है, ये जो मर जाता है, ये कारण शरीर में बंद हो जाता है, अब कुछ पीछे नहीं छूटता। जैसे हम कहते हैं कि पीछे छूट गया कि हमारा पूर्व जन्म, जो फालतू की बात है। ये क्या होता है, जैसे इमली का जो कुछ भी था वो बीज में घुस गया, अब इमली में क्या छूट गया? इमली के लिए तो वो बीज खत्म हो गया पूरा का पूरा, वो सब बीज में आ गया, जो कुछ भी होना था वो पूरी इमली का एसेंस बीज में घुस गया। और वो बीज जब वृक्ष बनेगा तो जो चीज़ों, अब वो योग्यता हुई, एक पोटेंशियलिटी आ गई तुम्हारे अंदर, उसी के अनुकूल फिर तुम्हारा डेवलपमेंट, उसी के अनुसार वातावरण वगैरह, वैसे ही फिर प्रकृति तुम्हें वातावरण देगी, वैसे ही। तो वो एक तरह का भाग कर्म सब मिला लो उसमें। अब फिर इस जगह तुम बैठे हो तो किस किस इंप्रेशन को जी रहे हो? क्योंकि इसके इमली के तो हाथ में कुछ नहीं है, ये तो खड़ी रहती है और सब अपने से होता है। लेकिन आदमी का दरवाज़ा खोलना और बंद करना प्रकृति ने हाथ में दिया है, तो पूरे संस्कारों को आदमी बदल सकता है। किस चीज़ के लिए खुले, किसके लिए ना खुले, ये विवेक आदमी के पास है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये वर्तमान में। क्योंकि जो पीछा हो गया वो तो भोग ही रहे हो तुम, लेकिन अगले श्रृंखला जो है किसी तरह की न बन जाए, तो फिर ये जितने शास्त्र हैं वो इसलिए कहे गए कि अगर तुम शास्त्र के अनुसार थोड़े समझ के जियोगे चलोगे, तो फिर तुम निर्जरा तुम्हारी होना शुरू हो जाए, तुम फेंकोगे नहीं। फिर तुम क्या करोगे कि सब चीज़ों को अपने में डालोगे, हजम करोगे, अगला कचरा इकट्ठा नहीं करेंगे, अगला नहीं करोगे, वो पुराना जलेगा, पुराना जलेगा। अगला अगर इकट्ठा ना करो तो पुराना अपने आप जलने लगता है, और फिर तुम्हारा बीज उस तरह का बनेगा, फिर जन्म होगा तुम्हारा। ऐसे हमारे लाखों जन्म हो चुके हैं और हम फिर कारण शरीर में जाते हैं, फिर लौटते हैं,
और जिस दिन जब पूरी निर्जरा हो जाती है ठीक उस दिन तुम्हें ज्ञान जैसी कोई घटना घटती है जिसे ज्ञान कहते हैं। तो ये मान लो कि यहाँ बैठे यहाँ से शुरू करें, ये मत कहो कि अनंत जन्मों की श्रृंखला है, लेकिन इसे शुरू अभी से किया जा सकता। आज से तो हम अच्छे से जी सकते हैं, समझ से जी सकते हैं, बोध से जी सकते हैं। आज तो बोध हमारे हाथ में है ना, वर्तमान तो हमेशा ही आपके हाथ में। तो जो भी टर्निंग पॉइंट है वो जहाँ खड़े हो वहीं से है, उसे तुम कल को मत रोना। अगर कुछ हो सकता है तो यहाँ खड़े हैं यहाँ से होगा, जो निर्णय लेना अभी लो, अभी तुम ले सकते हो। जैसे अभी आपको निर्णय लेना नदी पे जाने का तो जा सकते हो ना, और किचन में जाने का जा सकते हो। अब तुम 15 मिनट पहले की बात का को सोच के कुछ नहीं कर सकते, 15 मिनट पीछे तो नहीं जा सकते ना 15 मिनट आगे जा सकते। अभी कोई घटना घटेगी तो अभी घटेगी ना, चाहो तो नदी पे चले जाओ उठ के और चाहो तो किचन में चले जाओ। तो वर्तमान हमेशा हमारे हाथ में होता है, मजा देखिए, हमारे हाथ में वर्तमान हमेशा होता है, और इस वर्तमान का सदुपयोग कैसा करना चाहिए वो पूरी पात्रता है आपकी। लेकिन अगर आप वर्तमान को अतीत के साथ जिएंगे तो आप कुछ नहीं कर रहे, वो अतीत ही कर रहा है, और अतीत अगर कर रहा है तो पुरुषार्थ पैदा नहीं हो रहा। अगर अतीत के धक्के से आप चल रहे हैं तो आपके जीवन में पुरुषार्थ नहीं है, फिर आपका जीवन की ग्रोथ नहीं हो रही, फिर वो कचरा आपको धक्का संटिंग में चल रहा है। अधिकतर लोग संटिंग में चलते हैं, और वर्तमान में जो आदमी है हमेशा अपने हिसाब से जीता, वो अतीत इतना ताकतवर नहीं है कि आपको चलाए, फिर आप चलेंगे और वो पीछे पीछे चलेगा और आप आगे आगे चलेंगे, वो धीरे धीरे रास्ता बनाएगा आप में गलने का। वो आपको धक्का नहीं मार सकता जैसे हवा धक्का मारती ना, क्योंकि जो आदमी मजबूती से खड़ा उसे हवा का धक्का नहीं लगता। जो मजबूती से खड़े ही नहीं है, जो पेड़ उनमें हवा हिला देती है, उनको नीचे झुका देती है, जो मजबूती से खड़े उनका हवा कुछ नहीं बिगाड़ती। तो जागरूकता से जीना मजबूती से खड़ा होना, और इतना मजबूती से खड़ा हो के वर्तमान को जीना चाहिए। वो वर्तमान हमेशा हाथ में, ये सब फालतू की बातें, क्योंकि वर्तमान हाथ में नहीं होता तो रोटी कैसे खा लेते, वर्तमान में ही खाते हो ना, और खाते वक्त भी वर्तमान में रहते नहीं ना। बिल्कुल रहना चाहिए वर्तमान में, हमेशा ही रहना चाहिए। असली में तुम बिना वर्तमान के तो तुमसे कुछ होता नहीं है, तुम होते तो वर्तमान में ही हो, लेकिन वर्तमान में तुम सपना देखते हो। सपना इसलिए देखते हो कि तुम्हारे वर्तमान पे तुम्हारा अतीत इतना हावी होता है कि तुम्हारा वर्तमान का एहसास ही तुम्हें नहीं होता, तुम्हें अतीत का ही एहसास होता रहता है। ये समस्या रहती है, भविष्य का वो अतीत ही भविष्य बनता, प्रोजेक्ट होता है, अतीत ही भविष्य में जाता। भविष्य जैसी तो कोई घटना है ही नहीं अस्तित्व में, वो अतीत कल्पना करके भविष्य पैदा करता है। और जो दोनों ही पार्टों में हम बीच में, दोनों भ्रमों के बीच में हिचकोले खाते रहते, तो हिचकोले खाने में हमें वर्तमान का मजा नहीं आता, क्योंकि वर्तमान में हम ठहरे नहीं, हिचकोले ही खाते रहते। कभी हमें वर्तमान अतीत खींचता रहता है पीछे की तरफ, और कभी भविष्य जो है कल्पना में उड़ाता रहता है, ऐसा रहता है। तो वो समुद्र की लहर ऐसी ऐसी होती रहती है, वो है लहर वर्तमान में ही हो रहा सब कुछ, लेकिन वो गति उसमें ऐसी है कि ऊपर नीचे होती रहती है, उसमें ठहराव नहीं रहता। इसीलिए दुखी भी है, इसीलिए हम आनंद नहीं ले पाते ना अपनी वर्तमान। हाँ, इसीलिए दुख का एहसास बना रहता, भारी एहसास बना रहता है। इसलिए ओशो ने तो जीवन को इतने छड़छड़ जीने की बात कही है कि बिल्कुल जहाँ खड़े हो वहीं जियो, और जहाँ खड़े हो तुम वर्तमान में ही हो, ऐसा नहीं है, सिर्फ तुम्हें उसका रियलाइजेशन नहीं आ रहा। और रियलाइजेशन इसलिए नहीं आ रहा कि तुम सपने में खड़े हो, जागे हुए नहीं। जाग जाओ तो तुम हो वर्तमान में, और जागोगे तो सपना नहीं होगा, तुम होगे। अगर तुम जागे हुए खड़े हो तुम पे सपना हावी नहीं है, तुम्हारी कोई कल्पना तुम पे हावी नहीं है, बस तुम हो। और तुम्हारा होना इतना मज़ेदार है, इतना रसपूर्ण है तुम्हारा होना,
कि ये जो कल्पना रसों की करते रहते हो ये सब दो कोड़ी, तुम्हारा होना ही बहुत अद्भुत घटना, लेकिन वो होने का पता लग नहीं पाता और वो चारसनी चढ़ी रहती है उसकी, अतीत की भविष्य की, वो चारसनी से हकीकत खींची रहती है। और मजा ये है कि खड़े वहीं हो, कभी रियलाइज करो कि तुम वर्तमान के बाहर कभी जा ही नहीं सकते। कोई जा सकता है क्या वर्तमान के बाहर? जीवन होता ही नहीं है वर्तमान के बाहर, जीवन हमेशा वर्तमान में होता है, केवल हम कल्पनाओं में खो देते हैं। बस कल्पनाओं में उस वर्तमान का एहसास नहीं होता, और दूसरी चीजें, और जिस चीज का एहसास होता है उसके परिणाम होते। तो जिस चीज का तुम एहसास कर रहे हो, जैसे तुम यहाँ बैठे और किसी भी चीज का एहसास करने लगो अभी हाल, तो तुम्हें यहाँ का मजा नहीं आएगा। भले ही नदी पे बैठे हो, तुम कसक खाने लगोगे कहीं किसी कल्पना में, हिलोरे मारने लगोगे उल्टी सीधी, और नदी पे बैठे हुए और नदी से अछूते रहोगे, वो कल्पना में खो जाओ। तो हम हमेशा ही पता नहीं कहाँ होते हैं। जीवन का बड़ा दुर्भाग्य है कि जीवन हमेशा पूरा जीवन सपना बन गया, हमेशा सपने में होता। बाबा ये शब्द तो सब अपन सुनते ही रहते हैं, जैसे आपने बताया वर्तमान में रहना चाहिए, ये होना चाहिए, पर हमारी मुश्किल तो ये है कि हम वैसे रह ही नहीं पा रहे ना, और इसी के लिए तो क्या उसका क्या करना चाहिए? वर्तमान में रहना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए कह रहे हैं, पर हमको वर्तमान का ही पता नहीं हो पा रहा। हम हमेशा यानी अभी भी उसी के लिए तो कुछ विधियों का हमें प्रयोग करना पड़ता। सीधा आपको पता लगेगा नहीं, पर संतों ने कुछ विधियाँ बताई तरकी में, समझ रहे बात, कुछ विधियाँ बताई हैं। उन विधियों को जब आप करोगे तो चूंकि कोई भी विधि वर्तमान में ही होगी, किसी भी विधि को आप करोगे तो विधि के माध्यम से आपको वर्तमान में ही रहना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि कुंडलनी ध्यान करो, एक सिर्फ विधि बताते हैं, क्योंकि विपसना अकेले से तो काम होता नहीं है। सबसे अच्छी विधि तो विपसना है, लेकिन विपसना है अंत। शुरू में विपसना के पहले बहुत सारी विधियों से गुजर के फिर विपसना में जाए, नहीं विपसना सिर्फ स्वप्न बन के रह जाती है। तो जैसे हम कहते हैं कि नाद ब्रह्म ध्यान करो या कुंडलनी ध्यान करो, तो कुंडलनी ध्यान तुम कल्पना में तो नहीं कर सकते, तुम्हें वर्तमान में करना पड़ेगा। तो उसको करते करते तुम्हें पता लगेगा कि वर्तमान क्या है, क्योंकि बिना किसी विधि के तुम्हें वर्तमान में होने का पता लगना बहुत मुश्किल है, जबकि तुम हो वर्तमान में। तो उसके लिए तुम्हें कोई वर्तमान में लाने का प्रयोग करना पड़ेगा, और उसमें हमारे यहाँ बहुत सारी विधियाँ हैं। जैसे डायन में कोई आदमी करेगा तो डायन में कल्पना में तो नहीं कर सकते, ना अतीत में करोगे ना भविष्य में करोगे, यहीं करना पड़ेगा। और जब वो धुआंधार ढंग से करते हो आप, तो आप थोड़े क्षण के लिए वर्तमान में आ जाते हैं, और उससे सीखना है कि वर्तमान जिए। वो विधि आपको वर्तमान में जीना सिखाएगी, वर्तमान की पहचान कराएगी कि वर्तमान क्या। और जितनी देर तुम वर्तमान के टच में होते हो, उतनी देर तुम पूरे नहा जाते हो। तुम्हें पता नहीं है वर्तमान कितना आनंदपूर्ण है, लेकिन वो पहले तुम्हें किसी विधि के द्वारा समझना पड़ेगा। बाबा आप जैसे कह रहे हैं, मैंने डायनामिक्स का एक बार प्रयोग, एक बार से नहीं होता वो तो ठीक है आप, अरे मैंने एक बार कोरेगांव में किया था और मुझे उसका आनंद भी मिला था। जब विपसना में मैं जाता रहता हूँ तो मुझे 20-30 दिन की शिविर में भी मुझे ऐसे कोई एक बिजली कौंदी थी कि कुछ ऐसा वही वर्तमान हुआ था, एहसास यानी वो हुआ था, वो वर्तमान नहीं था, वो उतनी सिर्फ यानी बिजली काउंट के रह गई और मैं फिर उलझ गया इसमें। तो वो उसके लिए मैं क्या करूँ कि वो एक क्षण जो मुझे मिला था उसको दूसरे क्षण में और बदलूँ? नहीं, उसके लिए तुम्हें इतनी समग्र साधना की जरूरत है कि तुम पूरा संसार छोड़ दो और पूरी साधना में जुड़ जाओ। तो तुम्हें एक खबर हो गई, और तुम तो जिसकी खबर हो गई और फिर संसार में, तो तुम मूर्ख हो कि तुम्हें खबर ना होती और तुम संसार में जुड़े होते तो हम मानते कि ये क्षमा करने योग्य लोग, और तुम्हें खबर हो गई फिर तुम जो दलिद्र में पड़ गए दुनिया भर के, तो तुम्हें तो पूरे जान लगा देना थी उधर,
पूरे प्राण लगा देना थे उस तरफ, क्योंकि तुम्हें कोई इशारा मिला था, परमात्मा ने तुम्हें स्वीकारा था, कोई इशारा हुआ था, तो फिर सांस सांस लगा देना चाहिए उसमें, वो नहीं लगा। और अब जो है तुम सांस सांस लगाओगे तो वो अवस्था बनेगी, बिना उसके नहीं बनेगी। तो जब कोई भी प्रयोग करो तो वो घटना घटती है वर्तमान की, और फिर आदमी की पूरी कुर्बानी है, पूरी कुर्बानी देता है आदमी, उस आदमी को फलता है। नहीं, परमात्मा तो झलक बहुत लोगों को देता है, और फिर झलक दे के फिर तुम गिर पड़ते हो, फिर लड़े आ जाते, तुम्हें जो लगता है कुछ बात बन गई, और फिर तुम संसार का कुछ तो भी रस लेने लगते, क्योंकि वो तो उसकी कृपा से हुआ था जो भी हुआ। लेकिन अगर तुम पूरी समग्रता से जुड़ जाओ तो तुम उस अवस्था में पहुँच सकते हो, उसकी खबर जरूर हुई है, लेकिन तुम्हारी एक सांस बेहोशी में ना जा रही हो, इतने प्राण लगाना पड़े उसमें, तुम्हारा चलना उठना बैठना सारा का सारा, सारा जीवन साधनामय हो जाए। और अब तो जो उम्र है, अब कब होगा अगर अब नहीं हो रहा, अब नहीं होगा तो तुम दो ही पति पत्नी बैठ के फालतू की बातें मत किया करे इधर उधर की, सारा दिन खराब करते हो, दोनों जनी बातें करते हो और दो कोड़ी की बातें करते हो, कोई मतलब नहीं होता उनका, क्योंकि दो ही जने बैठ के तीसरे को उठा लेते हो, किसी तीसरे की करते, आपस में तो तुम नहीं बतरा सकते, 10 मिनट क्या करोगे आप, उसकी बातें है ही नहीं है कोई, तो कोई तीसरे भूत को लाओगे अपने बीच में, एक भूत रखोगे हमेशा, जो है नहीं है जिसकी बात कर रहे हैं वो भूत, ये ख्याल रखना। और हम हमेशा ही भूत प्रेत की बातें करते, हमें भूत प्रेतों से इतनी दोस्ती है कि हम उन्हें जिंदा कर लेते हैं हमारी बातचीत, और वो यहाँ है ही नहीं है, मजा देखो उनकी, घंटों हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब बोलो ऐसी जिंदगी जियोगे तो बिजली कौंधे नहीं, कि बिजली कौंध रही होगी तो शांत होगी, इधर मत कौंधो जी, अच्छी जगह नहीं है। तो थोड़ा सा अगर कोई बात बनती है, कुछ समझ में आया है, तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, पहले तो गप्पबाजी बंद कर दो दो जने आपस में, जो समय खराब करते रहते हो ना उसका सदुपयोग करो, तो काम चलाओ, इनसे रोटी मांग लिया करे या जो जो दे सके वो मांग लो, भूत को मत लाना। अगर बात करना है तो कहाँ की करो, जो दिख रहा है उसकी करो आपस में, लेकिन किसी भूत प्रेत की बात मत करना। और आपस में हम सब भूत प्रेतों की बातें करते हैं, जो है ही नहीं है उसकी बात करना, ये कोई अकल से भी नहीं सोचता आदमी को, जो है नहीं हम उसकी क्यों चलते, और घंटों, वो नहीं कि 5-10 मिनट में निपटा लें, घंटों संवाद चलते रहते भूत प्रेतों, आदमी जिंदगी खराब कर रहा है इससे, तीसरे एलिमेंट को खड़ा करके, जो है उसके साथ बातचीत करो, कितनी करोगे आपस में, आपस में तो बातचीत है ही नहीं है कहीं, कितनी देर करोगे एक दूसरे से, इतने कर लो जैसे पति पत्नी है दो, इतने कर लेंगे अपन एक दूसरे की बात करेंगे, तीसरे को नहीं लाएंगे, तो देखो क्या मजा आएगा, चुपचाप हो जाओगे थोड़ी देर, एक दूसरे का मुंह देखो और तुम बात कर ही नहीं सकते, देखो तुम्हें बात करने को भूत चाहिए, कोई ना कोई पालना पड़ेगा, कोई ना भले ही तुम फिर बिल्ली की बातें करने लगो, कोई और नहीं मिलेगा तो किसी की बिल्ली की बातें करोगे, बड़ी खराब बिल्ली फिर वो कह देंगे वो जाएगी कुत्ता से, वो कुत्ता उसका बहुत बढ़िया था, फिर उसकी कोई शादी नहीं हुई थी, वो कुंवारी थी और वो भाग गई थी, फिर देखो श्रृंखला चलती अब तुम यहाँ बैठे हो और तुमने कितनी लंबी चौड़ी दुकान चालू कर ली बिल्ली से शुरू हुई। मेरी बात ख्याल में आ रही है? हाँ। तो जरा जी के देखो, अभी तुम 4 दिन यहाँ रह रहे, ऐसे ही जियो, दूसरा बोला करे तो जरा पीछे सुना भी करे, ऐसे ही मत फटकारा करे, जो बोलो से तुम भी सुनो, और ना सुनो तो बोलो ही मत, एक शब्द भी बोलो तो पीछे खड़े होकर सुनना, और नहीं सुन पाओ तो बोलना मत, कान पकड़ लिया करे, जैसे ही बोले और सुने नहीं तो कान पकड़ लिया, याद के लिए ऐसे कान खींच लिया कि हम बोलेंगे और सुनेंगे तो ही बोलेंगे। आप देखो कितना अच्छा प्रयोग है, इतने कम बोलोगे, इतने कम बोलोगे, और जो बोलोगे वो ना बोला जैसा हो जाए, कान खींचते रहना, लेकिन दूसरे के नहीं अपने की बता रहा हूँ। ग्रस्त और संसारी होके संभव है क्या ये? अरे ग्रस्त संसार, ग्रस्त संसार दो चीजें है ही नहीं है, आप गलत कह रहे, हम ग्रस्त नहीं है, 4-5 बच्चे हैं, 5-7 नाती पोता है, नहीं आप तो बाबा, अरे छोड़ो यार, हम पहले ग्रस्त ही थे ना, बच्चे तो पहले हुए ना हमारे,
के बाद में हो गए, शादी तो पहले हो गई, बाद में थोड़ी हुई, बाद में कोकर आता साथ। आप किस चीज से कंपेयर नहीं कर सकते ना? नहीं ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं कह सकते। जिस जगह आप खड़े हो अभी उससे बहुत खराब स्थिति में हम खड़े थे जब तुम्हारे जैसे थे, लेकिन उन परिस्थितियों में संभव था तो इसमें क्यों संभव नहीं। जब मैंने ओशो को देखा, देखो उनके दर्शन किए, उस आदमी में मैंने देखा कि इस आदमी में परमात्मा मौजूद है, जैसी प्रतीति मुझे हुई कि इस आदमी में परमात्मा की गजब मौजूदगी है। और एक दूसरा विचार आया कि जब इस आदमी में मौजूद है परमात्मा, हो सकता है तो इस आदमी में क्यों नहीं हो सकता। अगर एक आदमी में अस्तित्व ने संभावना पैदा की है परमात्मा की मौजूदगी, तो ये तो द्वार खोला है। हमने अभी तक तो राम और कृष्ण की बातें सुनी थी, हमने जीवंत आदमी तो कभी देखा नहीं था, पहला आदमी देखा, और पहले आदमी में परमात्मा की गजब की मौजूदगी। इस आदमी में परमात्मा की मौजूदगी, ये आदमी नहीं है, आदमी के रूप में परमात्मा मौजूद हुआ। और बिल्कुल साधारण आदमी वो हुआ, कोई ऐसा नहीं है, बड़े गरीब घर के हैं, उसको कोई बड़ा भारी उपद्रव नहीं था। तुम तो ठीक ठाक हो, नॉन मिर्च की पूड़ियाँ बेचते थे जरा सी उनके घर के लोग, जरा सी ढवलिया थी, हम देख के आए जहाँ उनका जन्म हुआ था, कच्चा सा मकान था, उसमें मैं 2 घंटे सो के भी आया, उनका कुछ समझ में आया बात, एक दिन गया था मैं, अभी भी घर मौजूद है। तो जब देखो ये संकल्प की बात है और समझ की बात है, फिर ये परिस्थितियाँ जो आपकी हैं, आप कह रहे हैं कि ग्रस्त और संन्यास, ये दो चीज़ें नहीं हैं। अगर वहाँ संभव है, 5-6 बहन भाई और उनकी भी जवाबदारी, ऐसा नहीं था उनने नेगलेक्ट किया हो, और सारी चीज़ें होते हुए वो उपलब्ध हुए, तो एक आदमी ने रास्ता खोला, एक आदमी ने रास्ता खोला कि आदमी में परमात्मा की मौजूदगी होती है, और इसका प्रमाण है कोई सदगुरु कहीं गहरे में परमात्मा की मौजूदगी का प्रमाण बनता है और कुछ नहीं। और जिसको ये भरोसा आ जाए कि सदगुरु परमात्मा की मौजूदगी का प्रणाम है आदमी होते हुए, तो फिर संभावना आपकी खुल गई ना। आइंस्टीन दुनिया भर का खेल खोल गया तो सारे लोगों की संभावना हो गई, कितने लोगों को मजा आ गया आइंस्टीन की वजह से, चल पड़े ना लोग, समझ लिया लोगों ने कि ऐसी संभावना है। तो अगर उनकी संभावना है तो फिर हम जितने बैठे हैं सबकी संभावना। और फिर इसके बाद मैं उपलब्ध हुआ तो मैं तो डंका ठोक के कहता कि वो परिस्थिति चलो दूर की हो गई, मान लेते हैं अब एक और का भाई है इस जगत में, और मैं तुम लोगों के सामने हूं, 31 साल से मजा कराता हूं, मजा करता हूं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को ये प्रतीति होती है, और जिन्हें प्रतीति होती है वे चल पड़ते हैं। और यह क्या हो रहा है, एक परमात्मा की मौजूदगी का इशारा नहीं मिलता कभी कभी, और अगर इशारा कहीं भी मिल रहा है तो क्या तुम में प्रकट नहीं हो सकता, तुम्हें ये देख के भरोसा नहीं आता। और अगर भरोसा आ गया तो एक सांस खराब मत करो, समय खराब मत करो। मुझे तो साल भर लगी थी, साल भर मैंने तय कर लिया कि एक आदमी में परमात्मा जग सकता है, तो इसने तो दरवाजा खोल दिया। अब चाहे शीर्षासन करना पड़े साल भर, चाहे कुछ भी करना पड़े, अगर यहाँ खुला है तो खुलने की बात, तो बात साफ हो गई कि ऐसा होता है आदमी में परमात्मा प्रकट होता है, ये बात साफ हो गई। अब कृष्ण का तो इतना लंबा चौड़ा खेला हो, थे भी के नहीं थे कौन जाने, बातें किताबों में ही, किसी को देखा नहीं, लेकिन जब इन्हें देखा और उनकी मौजूदगी में बैठना हुआ तो बिल्कुल बात साफ हो गई। फिर ये बात भी साफ हो गई कि कृष्ण परमात्मा थे, महावीर परमात्मा थे, सारे जितने भी महापुरुष हुए हैं ये सब परमात्मा थे। एक तो पहली बात साफ हो गई कि किसी पर संदेह नहीं रहा कि सब में परमात्मा तैरा होगा, क्योंकि एक आदमी में तैर रहा जो दिखाई दे रहा, तो महावीर और बुद्ध सब तो भरोसा आ गया, आश्वस्त हो गए जो संदेह लगे रहते थे, आश्वस्त हो गए। फिर जब उनका देखा तो फिर तो बात ही बन गई पूरी, और उस भरोसे के साथ फिर यात्रा होती है। क्योंकि देखो जीवन में
पहले तो भरोसा ही पैदा करना पड़ता है, और सदगुरु के प्रति इस तरह का भरोसा, हाथ पांव जोड़ने का नहीं, हाथ पांव जोड़ रहे आरती उतार रहे तुम्हें श्रद्धा हो गई, इस तरह का नहीं। एक भरोसा ऐसा पैदा हो गया कि आदमी में परमात्मा प्रकट होता है, आदमी की जो संभावना है ये भरोसा तुम्हें खा जाए पूरा का पूरा, और तुम्हें शैतान ना बनने दे, तुम्हें आदमी बना दे, कोई भी प्रवृत्ति तुम पे हावी ना हो पाए। देखो कैसे हावी हो जाएगी, जब ये सोच बनी रहेगी तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा कि दुनिया तो फीकी हो जाएगी और तुम ही अकेले बचोगे फिर इस जगत में, क्योंकि मामला तुम्हारे लिए है वो तुम्हें, क्योंकि किसी को समझाने से तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि अगले की समझ में जो बात आई कि नहीं आई कौन जाने, चाहे पत्नी की ना आई तो उसे जबरदस्ती नहीं करना, उसे अपनी जगह रखो, किसी को भी अपनी जगह रखो, आप ही कुछ लेना देना, ये आपकी समझ में साफ आ गई आप चल पड़ो, आप किसी के लिए रुको मत। यहाँ इस जगत में कोई काम, अगर आप अभी हाल मर जाओ, तुम कह रहे संसार में होती अभी हाल मर जाओ तुम, मेरे ख्याल से सब खुश होंगी, पेंशन छोड़ कर मरोगे ना सब खुश होंगे। अब मर के देख लो, हम कल चिट्ठी लिख देते कि स्वामी जी धोखे से फिसल गए और नदी में फूले मिले, और हमने कहा सड़ जाएंगे तो जला दिए, और क्या करें भाई हैं ते लोग, और ऐसा ऐसा हो गया। तीन चार दिन रोएंगे और पांचवें दिन कहेंगे पैसा देला कहाँ का पड़ा, वो देख लेंगे बात खत्म हो। आपके लिए कोई जी रहा है? नहीं, एक आदमी नहीं जी रहा आपके लिए, आप इस भ्रम में, ना पत्नी और ना आपके बच्चे, ये सब फालतू की बात है, ये तो हमारे भ्रम है, क्योंकि हम बिना भ्रमों के जी नहीं सकते, तो हम मानते हैं हमारी वजह से संसार में बड़ा उपद्रव हो जाए, कोई उपद्रव नहीं होने। अच्छा मर कर देख लो, हम ड्रामा कर देते हैं बिल्कुल, कानो कान खबर नहीं होने देंगे, आपको गायब करवा देते हैं, और दो तीन महीना फिर ऐसा तुम देखो कि क्या होता है उधर प्रयोग करके, तो तीन महीना में देखोगे तो भाई ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ नहीं है, सब सुखी हो गए, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये तो ख्याल में मत बनाओ कि संसार में तुम कर क्या रहे हो यार, क्या कर रहे हो संसार में, तुम उबे हुए हो इसलिए रिश्ते बनाए हुए हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा बोध नहीं है, तुम्हारा तुमसे संपर्क नहीं है, इसलिए तुम तुम्हारी ऊब मिटाने संपर्क बनाए हुए हो और सेवा कर रहे, सेवा एवा नहीं कर रहे, तुम अपनी ऊब मिटा रहे हो बच्चों के माध्यम से, पत्नी के माध्यम से, वो नौकरी मोकरी जो भी तुम करते हो, सिवा इस संसार में आदमी अपनी ऊब मिटाता और कुछ नहीं करता, क्योंकि वो ऐसा रह नहीं पाता, तो कोई ना कोई एकोपाइट कर लेता, कोई ना कोई घटना जिसे वो नाम कुछ और दे देता, तो ऐसा संभव नहीं है, ये बात तो आप करो ही मत, ऐसा 100% संभव है, करके देखो। तो संसार गरीब ने क्या बिगाड़ा है, वो संसार से तुम हमेशा अछूते हो और अछूते ही रहोगे, वो तो संसार की बड़ी कृपा है कि तुम जब होश में नहीं जीते तो भ्रम में तुम्हें जलाने का मौका देता है, क्योंकि प्रकृति का एक खेल है, प्रकृति तुम पे इतना भरोसा करती है कि जब तक भ्रम से तुम्हें जलाती रहती है, और ये भरोसा करती है एक दिन तुम जाग के जियोगे, इसलिए तुम्हें इतने उपद्रव में सहयोग करती रहती है कि एक दिन तुम जाग जाओगे और जियोगे, तो अब चूंकि तुम ऐसे तो जी नहीं सकते, मर जाओगे, तो प्रकृति भ्रम से जला रही है, तो उसमें बुराई क्या कर रही है, और तुम कह रहे हो कि संसार तुम्हें इसलिए समझ में आ रहा है कि वो ही तुम्हारा आश्रय बना होगा, और दूसरा आश्रय तुमने ढूंढ नहीं पाया, इसलिए लगता है। अजमा के देखो तो सब चीज़ें घटेंगी, और नहीं अजमाओ तो फिर चल रही गाड़ी ऐसी चलन दो, कभी कभार आ गए चले गए, मनोरंजन हो गया, बात खत्म हो गई। अब मेरे ख्याल से भोजन का समय हो गया आप लोग, नाउ पीपल हैज नीड टू गो फॉर डिनर, सॉरी नथिंग टू से इन इंग्लिश टू से इन इंग्लिश टू से इन इंग्लिश।